अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली के सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो स्पेशल वीडियो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसमें मैं बता रही हूँ हेयर ऑयल के बारे में, जो मैं पहले भी बनाकर दे चुकी थी अपने कस्टमर को और इस दफ़ा फिर उनके रिक्वेस्ट पर बनाया है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। बट इस वीडियो को दिखाने से पहले मैं आपको उनकी दिखाऊँगी स्किन की जल्द, उनकी जल्द कैसे थी पहले। उनकी जल्द ना बहुत ज़्यादा अंदर से ना वो थे, गंजापन था उनके सर में, बाल बहुत कम थे, वाइट बाल थे और बहुत ज़्यादा ख़राब थे। ठीक है, जैसे जैसे उन्होंने ये मेरा ऑयल इस्तेमाल करना शुरू किया, उनके बाल बहुत ही ज़बरदस्त और वाइट बाल भी जो थे वो भी नेचुरल कलर में तब्दील होने शुरू हो गए। ये देखिए, ये है मेरी कस्टमर और इनके बाल देखे और इनके बालों में जो कलर है वो भी देखे। ये कलर जो मैंने है इनके बालों में ये इसी ऑयल का है और इसी ऑयल में जो जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं वो हैं, और बाल बहुत चमकदार, लंबे और घने बनाता है ये ऑयल। और इन्होंने मुझसे दोबारा बनाया है कि इनको और बाल लंबे करने हैं और चमकदार। ठीक है, और इनके लिए मैंने ये ऑयल बनाया है, तो सोचा कि इन्हीं के बालों की वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। तो इस वीडियो में इस ऑयल में जो जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने नीम के पत्ते लिए हैं थोड़े से, और एलोवेरा ली है, और चुकंदर लेना है। चुकंदर हमने ना फ्रेश लेना है बिल्कुल, जिसमें कलर हो। ठीक है, ये चुकंदर का कलर ही ऑयल में जाएगा जो कि बालों में जाएगा। और इसके अलावा एलोवेरा जेल आप असली भी ले सकते हैं, मतलब जो नेचुरल हो, और इसके अलावा जो बाज़ार से मिलती है वो भी। और इसमें जाएगा जैतून का तेल और सरसों का तेल। सरसों का तेल कोशिश कीजिएगा कि अच्छा और खालस ही लें आप। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास तकरीबन हाफ लीटर के करीब ऑयल था सरसों का, जो मैंने इसमें ऐड किया है, और प्याज के, और साथ में ही प्याज के बीज हैं। प्याज के बीज आप किसी भी पंसार की दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, वो लेने हैं। और जो जैतून का तेल है वो मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया, वो सिर्फ़ तकरीबन 5 से 6 चम्मच थे। वो बहुत गर्म होता है इसलिए वो मैंने तकरीबन थोड़ा ही इसमें ऐड किया है। बट जो प्याज के बीज हैं वो मैं इसमें डायरेक्ट ऐड नहीं करूँगी। ठीक है, ये देखिए, एक पैकेट में ना तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब ही निकलते हैं, ज़्यादा नहीं निकलते। ठीक है, इनको ना मैंने थोड़ा थोड़ा पीस के ऐड करना है ताकि इनका असर ज़्यादा और बहुत अच्छे से निकले। प्याज का पानी और या प्याज इसमें आपने नहीं डालना, प्याज के बीज ही इसमें डालने हैं। ठीक है, और इनको थोड़ा सा पीस लेना है, पीस के डालेंगे ना तो ये ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा असर करते हैं। ठीक है, इसमें बालों का कलर भी बहुत अच्छा आता है, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, और इसमें जो मैं नीम के पत्ते यूज़ कर रही हूँ ये ऑप्शनल है, लेकिन आप डाल लें, इससे ये बालों में दाने, फिंसी वगैरह या कोई भी ना डैंड्रफ वगैरह नहीं पड़ती, और स्पेशली जुएं भी। और इसके अलावा जो चुकंदर है ना ये बालों में कलर बहुत अच्छे से लाता है। ठीक है, नेचुरल कलर की ना जो हमें ना ज़रूरत होती है ना वो ये कलर चुकंदर जब निकलता है ना इसका रक्सा वो ऑयल में, तो बहुत ज़बरदस्त आता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एलोवेरा जेल ली है, वो डाली है। अच्छा, जब हमारे बाल होंगे सर पे तो ही हम हेयर स्टाइल बनाएंगे ना, तो जब हमारे मेरे पास कस्टमर आते हैं तो उनके सरों पे बाल नहीं होते, तो फिर वो दिखा रही होती है पिक्स के, हमें जी ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए। अब ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए तो ऐसे फिर वो बाल भी होने चाहिए। अब ऐसे बाल नहीं होंगे तो अब हम हेयर स्टाइल कैसे बनाएंगे? तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको ना हेयर स्टाइल की बड़ी प्रॉब्लम होती है अच्छे अच्छे शादियों में, तो वो अपने बालों में ये ज़रूर इस्तेमाल करें, बना के बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें मैंने दोनों ही जेल एलोवेरा जेल डाल दी हैं, ताकि आपके पास कोई भी हो आप वो डाल दें। इसके अलावा देसी अंडा लें, देसी अंडे की ना आपने सिर्फ जर्दी डालनी है और सफेदी नहीं। ठीक है ना, अगर देसी वाला अंडा मिल जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दूसरा अंडा है ना जो फार्मी, आप वो दो उसकी जर्दियाँ डाल दें इसमें। ठीक है ना, वो दो हों तो एक के बराबर काम कर देती है। इसके अलावा इन सब चीज़ों को डालने के बाद आपने ना इसको ना तकरीबन आँच के ऊपर रख देना, आँच बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी, लो टू मीडियम आँच रखनी है, और इसके ऊपर इसको पकाना है, इतना पकाना है कि इन सब चीज़ों का ना जो अर्क है ना वो निकल आए उसमें ऑयल में। ये देखिए, यहाँ पर मेरा ना ऑयल पकना स्टार्ट हो गया है, और जैसे जैसे देखें चिकंदर का कलर भी निकलना शुरू हो गया है, सारा वो रेड कलर जो था वो उसमें ऑयल में चला गया, नीम का वो अर्क था वो भी, अंडे की सफ़ेदी जो थी, अंडे की थोड़ी जर्दी थी ना इसका ऑयल भी, वो भी सारा उसमें चला गया है। अच्छा, जब ये पकता है ना तो इसके छींटे बड़े पड़ते हैं, बड़े एहतियात से इसको पकाना पड़ता है, उनको जो चीज़ें होती हैं ना जो वेट होती हैं तो वो सारी जब उसमें ऑयल में पकती हैं ना तो वो छींटे बाहर आते हैं। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से पका लेना, इतना अच्छे से पकाना है कि सारी चीज़ें अंदर से ना इनका अर्क निकल आए और ये ब्लैक हो जाए, इनका सारा असर निकला है ऑयल में। और इसको फिर अच्छे से ठंडा कर लेना, ठंडा करने के बाद इसको हमने छान लेना है, और ये स्पेशली बालों में कलर भी देता है, गंजापन दूर करता है, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं सर में लगाने से। थोड़ी स्मेल आती है, लेकिन ये है कि आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मंथ यूज़ करना है, तो आपके बाल लॉन्ग होने स्टार्ट हो जाएंगे, बालों में कलर भी अच्छा सा आएगा, जिनके जो गंजापन है वो भी ख़त्म होगा, कलर वाइट बाल हैं वो भी ब्राउन हो जाएंगे, नेचुरल कलर में आ जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगे। यहाँ पर ये देखिए, मैंने 2 बोतलों में डाल लिया, ये ज़्यादा पक के कम नहीं होता, तो जो बाकी मेरा ऑयल बचा था उसको मैंने ना छोटी बोतल में डाल लिया नेचुरल आम यूज़ करने के लिए। तो ये मेरे से कस्टमर ने बनवाई थी उनके लिए। तो अगर आप लोगों को भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।